चिल्ला रहे थे कि हमको पानी में से निकालो, पानी में से निकालो। हाथी से और कितना लोग धक्का लगा करके चढ़ाने लगे, लेकिन चढ़े नहीं। पूरा गांव आ गया, बैलगाड़ी आ गई, हाथी आ गई, बैलगाड़ी आ गई, हाथी आ गए, और तब भी नहीं टसक से मटक। आज सावन का दूसरा सोमवार है, ऐसे में तमाम जो श्रद्धालु हैं वह शिव मंदिरों पर पहुंचकर भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ। वर्तमान में हम एक ऐसे मंदिर में हैं जो पड़ता तो विदेश में है, लेकिन यहाँ पर तमाम भारतीय जो हैं वो पूजा अर्चना करने आते हैं। जहाँ मौजूद हैं, यह नेपाल राष्ट्र का रूपंदेही जिला है, और जिस जगह पे प्रॉपर मंदिर बना है यह नौडिहवा गांव है। आपको बता दें कि ये जो पूरा परिसर है यह सशस्त्र प्रहरी बल जो नेपाल के अर्धसैनिक बल में आते हैं उनका ये पूरा परिसर है। जो आपको गेट दिखाई दे रहा है वो उन्हीं का है, और उसके उधर जो बाइक आपको दिखाई दे रही है वो इंडिया है। यानी कि यह पूरा मंदिर जो है एकदम बॉर्डर पे ही बसा हुआ है, जो नो मैस लैंड है उससे कम से कम 20 से 25 मीटर की दूरी पर यह जो मंदिर है यह बसा हुआ है। इस मंदिर का नाम है झरखंडी महादेव मंदिर, और यहाँ पर आपको बता दें कि आज सुबह से ही जो लोग पूजा अर्चना करते हैं उनका तांता लगा हुआ है। तमाम तरीके की यहाँ मान्यताएं हैं। इस मंदिर के बारे में अगर बात करें तो इसका जो प्राचीन इतिहास है जो हमने पता किया वो बताते हैं लोग कि आज से 70-80 साल पहले ये जो पूरा परिसर है ये पूरा जंगल था, यहाँ पर झाड़ियाँ थी, और इसी के बगल से डांडा नदी जो है वो बहती है। बताते हैं कि जब दिन में ही कुछ चरवाहे यहाँ पर आए थे और वो भैंस चराने पहुंचे हुए थे, इसी दौरान उन चरवाहों को जो डांडा नदी है उसके अंदर रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद चरवाहे जब वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि केवल रोने की आवाज आ रही है, कोई वहां है नहीं। लेकिन जब और अंदर जाते हैं तो वो झांक कर देखते हैं तो उनको जो एक शिवलिंग है महादेव का वह दिखाई देता है। उसके बाद वो जो ग्रामीण है उनको बुलाते हैं, चरवाहे तमाम लोगों को बुलाते हैं, और जो पानी है जो नदी है वहां से इस शिवलिंग को निकालते हैं, और निकाल कर उनके मन में ये विचार आता है कि इसको कहीं स्थापित किया जाएगा। जिसके बाद वो लोग बगल में जो डांडा नदी है वहां से शिवलिंग को निकाल कर यहीं पर ला करके रख के आराम करने लगते हैं। और उसके बाद ये पूरा मंदिर है, थोड़ा सा आप देख लीजिए, यही वो शिवलिंग है जिसको वो लोग चरवाहे जो हैं वो रख कर यहाँ आराम करने लगते हैं। और जब वो आराम कर लेते हैं तो फिर उनका मन होता है कि जंगल से दूर थोड़ा सा जो गांव के करीब हो वहाँ मंदिर को स्थापित किया जाए। लेकिन जब वो लोग शिवलिंग को उठाने लगते हैं तो उठाने पर वह टस से मस नहीं होता है। उसके बाद जो चरवाहे हैं वो ग्रामीणों को बुलाते हैं, और उस दौर में हाथी यहाँ रहती थी, हाथी लोग पालते थे, हाथी बुलाते हैं और बैलगाड़ी बुलाते हैं। तमाम वो उपाय करते हैं जिससे शिवलिंग को उठा करके दूसरे जगह पर स्थापित किया जा सके, लेकिन शिवलिंग जो है भगवान की महिमा आप समझ ही रहे हैं, भगवान की कृपा, वो टस से मस नहीं होते हैं। उसके बाद जो है यहीं पर मजबूरन उन ग्रामीणों को मंदिर स्थापित कर देना पड़ता है, और उसके बाद इस मंदिर की मान्यता होती है। तमाम जो ग्रामीण वह इसका एक तरह से इसका कर रहे हैं, और इस मंदिर छोटा ही मंदिर है लेकिन इसका बहुत पौराणिक महत्ता है बता रहे हैं लोग, क्योंकि इसकी जो कहानी है वह सेम जो मिनी बाबा धाम इटहिया कहा जाता है उसी तरीके से कहीं ना कहीं है। तो यहाँ पर तमाम लोग इसको सहयोग करते हैं और इस मंदिर को बनाया जाता है। बाकी हम यहाँ पर पहुंचे हैं, मंदिर की जो परिसर है उसको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए थोड़ा सा इस मंदिर को आप देखेंगे तो जो बनावटी होता है वह नेपाल जैसा फील आएगा, क्योंकि नेपाल में अक्सर मंदिर जो है ऐसे ही बनाए जाते हैं। और एक चीज और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि मंदिर को बनाने में सहयोग भी यहाँ के जो सशस्त्र प्रहरी बल हैं उनके द्वारा यहाँ पर किया गया है, और इसमें नेपाली में पूरा लिखा गया है कि किन किन लोगों ने इस मंदिर को बनाने में चंदा दिया है और कितना सहयोग किया है। बाकी यहाँ पर लोग धूप अगरबत्ती जलाते हैं, और ये नंदी महाराज हैं, यहाँ लोग आते हैं पूजा अर्चना करते हैं। छोटा परिसर है लेकिन काफी खूबसूरत है, काफी लोग यहाँ आते हैं, और अभी सुबह से ही यहाँ पर लाइन लगा हुआ था। अब देखिए यहाँ बराबर जो है कपूर अगरबत्ती जलाने के लिए एक बकायदा जो है वो जगह बनाया गया है, यहाँ आप कपूर जला सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी
जो भगवान विष्णु हैं माँ लक्ष्मी के साथ, उनकी मूर्ति जो है स्थापित की गई है। आप दिखाइए थोड़ा सा इसको। उसके अलावा आप पीछे हमारे देख सकते हैं जो सशस्त्र प्रहरी बल के नेपाल के जवान हैं उनका जो परिसर है वो है। आप यहाँ बकायदा आएंगे तो यहाँ हवन कुंड है, हवन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है भगवान बजरंग बली का भी एक मूर्ति यहाँ पर स्थापित किया गया है और काफी खूबसूरत है। और उधर आप जाएंगे तो वहाँ काली माता का जो है वो स्थान बनाया गया है, वो काली माता का स्थान है। बाकी जो मेन शिवलिंग वाला मंदिर है उसके बगल में यहाँ पर एक और दुर्गा माता का, जो यहाँ पर देखिए आप शेर है, बाघ है, और दुर्गा माता का भी मंदिर यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो यहाँ पहुँच कर आपको बड़ा ही सुकून मिलेगा। और अमूमन जो बॉर्डर क्षेत्र के लोग हैं उनको थोड़ा सा इस मंदिर के बारे में कम नॉलेज होगा, लेकिन यह बड़ा प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आए हुए हैं उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ वो मान्यता है और क्या कुछ मनोकामना लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अंकल जी क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? राम कृपाल रौनियार, हम तो फरेनी के रहने वाले हैं और सोनौली भी हमारा दुकान है। कब से मंदिर पे आ रहे हैं आप? हमको कम से कम 30-35 साल हो गया आने से यहाँ, और जानते हैं शुरू से। क्या इतिहास है मंदिर का? भगवान जी नदी के किनारे ये निकले शिवलिंग, इतना बड़ा, ठीक है। और जब निकले तो ये चिल्ला रहे थे कि हमको पानी में से निकालो, पानी में से निकालो। इसके बाद सब लोग भैंस के चरवाहे थे हमारे यहाँ के, चंद्रिका मिश्रा थे और कई लोग थे, तो वही जा कर के देखे तो कहाँ कोई चिल्ला रहा है, कुछ दिखाई तो दे नहीं रहे हैं, तो इनके देखे तो इनको उठाए हो और उठा लिए। उठा करके जब यहाँ ले आए तो कहे कि गाँव पर ले चलेंगे फरेनी, वही मंदिर वंदिर बनाया जाएगा। और जब यहाँ ले आए तो यहाँ जब रख दिए तो इनके उठाने में गांव वाले पूरा आ गए, लेकिन उठे नहीं। फिर वहाँ से टायर ले आए गांव से, और हाथी भी फरेनी में था, और हाथी भी ले आए, रस्सा लगाए, इनको हीच करके जैसे भी टाली पर रख दें और गांव पर मंदिर हम लोग बनाएंगे। ये नदी से निकालने की बात हो रही है? नदी से निकाले और यहाँ रख दिए, उसके बाद यहाँ से उठ नहीं रहे और यहाँ से गईबे नहीं किए। और हाथी से और कितना लोग धक्का लगा करके चढ़ाने लगे, लेकिन चढ़े नहीं, पूरा गांव आ गया, बैलगाड़ी आ गई, बैलगाड़ी आ गई, हाथी आ गए, और तब भी नहीं टसक से मटक। तो तिवारी लोग कहे कि यहीं पर स्थापना कर दो, नहीं जाएंगे, तो यहाँ स्थापना कर दिए। पहले छोटा था, अब तो बहुत बढ़िया हो गया है, अभी अभी और भी बढ़ेगा, और जाने यही कहानी है। और यहाँ मंदिर समझ लीजिए जैसे बाबा धाम के टू कापी है, जो बाबा धाम में रावण वहाँ डबोटा था, और यहाँ रख दिए, वो यहाँ से टस से मस नहीं हुए। हम लोग पूरा बढ़िया से जानते हैं कहानी। और ये कितने वर्षों की बात है, मतलब कितना 100 साल पहले की बात है? नहीं 100 साल तो नहीं होगा, तब वो 70-75 साल। हमारा उम्र तो 65-66 साल हो गया, 65-66 हो गया, लेकिन कहानी तो गाँव से न पता चलेगा इस तरह से हुआ, यही लोग हम लोग जानते हैं पूरा बढ़िया से। अच्छा, कब विशेष पर जो मेला वगैरह लगता है? शिवरात्रि के दिन मेला लगता है, गाना बजाना, शिवरात्रि के दिन मेला लगता है, भंडारा भी होता है, और सावन में तो डेली आते जाते रहते हैं। अच्छा, और कितनी भीड़ लगती होगी, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? कहाँ, सोनौली से, फरेनी से, टोटलिया, तिलहवा, अरे यही सब लोग जगह, मतलब इंडिया नेपाल दोनों सब आते हैं, कोई रोक छेक नहीं है। जब हम यहाँ पर, ये इंटर मॉडल है, वहाँ के मैं चीफ ऑफिसर थी, तो वहाँ के चीफ साहब भी है भंसार के, हम लोग यहाँ पर विजिट किए, बहुत यहाँ का कुछ भी नहीं था, यहाँ एक झोपड़ी टाइप का यहाँ था, एक साधु रहते थे, तो पता चला है कुछ चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। तो हम लोगों ने बात किया चीफ साहब से बोल के, हर महीने में यहाँ पर तेल का और वो पंडित जी के लिए कुछ पैसे आता था यहाँ और कोटे माई के लिए, तो पता चला इसके बारे में। हम लोग के लिए निकलता था मेरो हमरो प्रेरणा पुस्तक निकलता था, उसमें मैं वाइस प्रेसिडेंट थी, तो उसके बाद वाइस संपादक, तो उसमें हम लोग ने लिखा था, इसके रिसर्च किया था, तो पता चला कि कोई एक ये जमीन जिसके था वो आदमी यहाँ थे, उनको सपने में भगवान आए रोते हुए दिखाई दिए, तो क्या हुआ, वो जाके नदी में देखा, वहाँ आवाज आया रोने का कि मुझे निकालो। वो जाके वो निकालने लगे, वहां से निकाल के लेके आए, वो गाड़े में डाल के ले जाने लगे थे, तो ये लिंग जो है वो धस गया, तो उसके बाद वो जो गाड़ा था वो भी खराब हो गया, उसको निकाल के बाहर रखे उन्होंने, उसके बाद से ये यहीं पर है शिव जी, पता चला। उसके बाद वो नहीं ले जा पाए, वो नहीं निकला, तो उन्होंने अपनी जमीन सब चीज करके
भगवान को दिया, ये हम लोग को सुनने में आया, ये मुझे पता है। मैं सिद्धार्थ नगर वार्ड नंबर 1 बेलैया निवासी हूँ और मैं नेपाल भारत मैत्री समाज का भी अध्यक्ष हूँ। और जो है यह शिव मंदिर जो है बहुत प्राचीन मंदिर है, सैकड़ों वर्ष पुराना और बहुत ही मान्यता प्राप्त मंदिर है। यह कहा जाता है कि जो भी यहाँ लोग आते हैं भक्तजन, उनकी सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं महादेव जी। और जो है यह बहुत ही प्रचलित मंदिर है और बहुत ही दूर दूर से लोग जो है इस मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं और अपने को बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। मैं तो मेरा जन्म ही यही हुआ, लगभग मेरा उम्र ही 64 साल हो गया, तो मैं लगभग 5 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ, तो लगभग 59 साल जो है लगातार मैं इस मंदिर में आ रहा हूँ। मेरा नाम कविता हो, मैं मेउड़िया में बस छू। कब से आप यहाँ मंदिर में आ रही हूँ? बहुत साल से आ रही हूँ, यहीं का जन्म है। बहुत से आते हैं, बहुत से मन्नतें मांगते हैं, कोई के मन में क्या है क्या है क्या नहीं है कुछ पता तो नहीं होता है। अब अपना तो बता सकती हूँ, दूसरे का क्या। वो आए बस उसका मनोकामना पूरा हो जाए, यही सोच कर आते हैं। क्या चढ़ावा चढ़ता है, सब कुछ होगा यहाँ? हाँ, वही भंडारा वंडारा करते हैं, लोगों को खिलाते पिलाते हैं, प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं। कहाँ से लोग आते हैं? बहुत दूर दूर से आते हैं, जैसे न्यूडियावा हो गया हमारा, यहाँ म्यूडियावा पे भैरावा से बहुत भी लोग आते हैं। आते हैं। आप यहाँ आ रहे हैं सावन में? अब लगभग 10-12 साल से तो हम अपने पूरे परिवार के साथ आते हैं और आज मतलब सावन का दूसरा सोमवार है और पूरे परिवार के साथ यहाँ दर्शन करने आए हैं। और यहाँ जन जन की आस्था है, नौडिहवा गांव में मंदिर, छखंडी मंदिर जो है यहाँ के लोगों का जन जन की आस्था है। ये चाहे सावन रहे या न रहे, यहाँ हमेशा ऐसे ही भीड़ रहती है।